चलो समर्थ भोला। देखो बाबू, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, अब शांति से समझते चलना है ना। विवेक आ गया आर्यन का बाबू, और तथागत रह गया। जी तथागत का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, और ये आर्यन कहाँ रह गया जी, एक इसका कॉल नहीं लगा का जी। चलिए देखो बाबू क्या बोला हम आपको। बाबू इस टाइम में बोला, अभी आपको सब्ट्रैक्शन सिखा रहे हैं, ये बेसिक मैथ है। जो भी रिकॉर्डिंग जाएगा आपका बेसिक मैथ के नाम से ही जाएगा बाबू विवेक, है ना। हाँ सर, फिर रात में भी 8 बजे आने हैं सारे बच्चे को, तो अभी आपको सब्ट्रैक्शन सिखा रहे हैं, है ना, प्लस माइनस वाला। तो जो बच्चा नया है उसको फिर से बताया जाएगा, है ना। तो अभी हम लोग फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन सीख रहे हैं। किसका सीख रहे हैं? निश्चल फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन सीख रहे हैं, है ना। तो कैसा सीख रहे हैं सर? जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा उसी का सब्ट्रैक्शन सीख रहे हैं। कितना नंबर तक क्वेश्चन हो गया था भोला मेरा प्रीवियस क्लास में बाबू, है ना। प्रीवियस क्लास में हम लोग कर लिए थे भोला, 1 मिनट बाबू बता रहे हैं कहाँ तक हम लोग कर लिए थे। ये हो गया बाबू 263 तक हो गया था, 266 तक है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट बाबू 267 से मन से पढ़ना। लिखोगे बाबू अदिति अधिराज तो कूट देंगे पकड़ के, लिखना नहीं है। आर्यन बाबू वीडियो ऑन कीजिए, आर्यन है ना, आर्यन ठीक बोला। स्वस्तिका ऑन करो। देखो हम लोग सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं सर, ऐसा वाला, कैसा वाला, जैसे मान लो 65 अपॉन मान लो 7 है, और माइनस बाबू 62 अपॉन कितना है, 7 है ना। हाँ सर ठीक। हाँ बाबू क्या दिखा रहा बाबू? नहीं है नेट नहीं है जी। दिया। अच्छा देखिए वो नेटवर्क इशू हो सकता है भोला, लिंक पे क्लिक कीजिए तो कुछ दिखा रहा होगा ना जी। क्या शो हो रहा बाबू? देखो लिंक भेज रहे, लिंक पे क्लिक करो, नहीं तो ये सब का सही तान है मेरा बच्चा सर। तथागत पासवर्ड क्लिक कीजिए बाबू, क्या दिखा रहा है तथागत? देखो तो आपको सब्ट्रैक्शन करना तो दो केसेस में होता है सर। नीचे वाले नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं। नीचे वाले को जैसे मान लो 3/4 कहीं लिखा हुआ, तो ऊपर वाला को न्यूमरेटर कहते हैं। ऊपर वाला को क्या कहते हैं? न्यूमरेटर कहते हैं, समझिए अदिति अधिराज। और नीचे वाला को डिनोमिनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं, है ना। तो ये पढ़ा रहे बाबू, जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा तब निश्चल, है ना भोला। डिनोमिनेटर अगर सेम रहेंगे बाबू तो कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे? फिर दूसरा केस आएगा, डिनोमिनेटर अलग अलग रहेगा। कैसे? कैसे? ऐसे ऐसे, जैसे 3/2 माइनस 2/3, डिनोमिनेटर अलग लग गया, तो इसको कैसे करेंगे तो वो भी हम लोग सीखेंगे। ठीक, तो डिनोमिनेटर जब सेम रहता है ना बोला, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर कहते हैं, है ना। हाँ बाबू निश्चल। ए दीप्तांशु वीडियो ऑन करो जी। ठीक एवं कर ऑन कर बाबू, वैभव बाबू ऑन कीजिए, नहीं तो ढूंढ देंगे। तो डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करना है? एक लक्ष्मण रेखा खींचना है। मेरा बच्चा क्या करेगा? लक्ष्मण रेखा खींचेगा। 7 है तो 7 लिख देंगे, 7 7 दो बार, तो एक ही बार 7 लिखना। ठीक ठीक सर। अब क्या करेगा? अब ऊपर वाला नंबर जैसे वैसे लिख देगा, 65 है और माइनस 62 है। अब मम्मी ये 65 माइनस 62 नहीं सबट्रैक्ट करेला, सिखाइए ईशानी। हाँ सर, 65 में 62 सबट्रैक्ट करोगे कितना होगा? 65 माइनस 62 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3/ कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो यही क्या है सर? सबट्रैक्शन है सर, फ्रैक्शन का। कब सर?
जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा तब, अगर डिनोमिनेटर अलग रहेगा तो सर तो भी हम लोग सीखेंगे कि नहीं? जिसको नहीं समझ में आया, आर्यन फिर से बोला 268 नंबर। जैसे 327 बट्टा मान लो 11 है माइनस बाबू, 22 है ना 7 या 229 बट्टा 11 है, तो डरेगा नहीं? डरेगा, एक बार आंख ऐसे खोल लेगा और देखेगा डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। हाँ सर, डिनोमिनेटर तो सेम है स्वप्निल सिरी, है ना? हाँ सर, ठीक। ऐसा बाबू निश्चल वो ट्रेवल कर रहा, काय लिख रहा अनुभव कूट देंगे बोला शैतान, इसी इसका 20 मार्क्स आया जी। फिर से आप बाबू, आपको बाबू बच्चा वाला क्लास में शिफ्ट करेंगे। शैतान समझाते तो लिखना नहीं है, लिखोगे बाबू धूम देंगे। सरस्वती जी ऊपर देख रहे हैं बाबू आपके ऊपर, जो जो बच्चा समझाने समय में लिखता है उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है ना? ठीक, अब क्या करोगे? तो मेरा बच्चा क्या करेगा, लक्ष्मण रेखा खींचेगा, इलेवन इलेवन एक बार इलेवन लिखेगा, है ना मास्टर? ऊपर में क्या लिखेगा, 327 माइनस 229 हो गया, है ना? ठीक सर, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर ले। मम्मी नहीं सिखाई है वैष्णव देव, 332 7 229, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 में बाबू 17 में 9 जाएगा, कितना सोचो, कितना सोचो, कितना सोचो। 7 में 9 नहीं जाएगा तो बगल से कह रही लगा 17, 17 में 9 जाएगा 8, ये कितना बच गया, 1 बच गया। 1 में 2 जाएगा नहीं जाएगा तो बगल से कह रही लगता है तो 11 होता है निश्चय। 11 में 2 जाएगा, सारे बच्चे को सब्ट्रैक्शन आता है 9, ये 0, तो कितना हो गया समर्थ बाबू, 98 हो गया बटा 11 हो गया। तो यही तो करना है सर, और थोड़ी कुछ करना है। जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनेगा कि नहीं? विवेक बेचारा विवेक फाइव में चल गया, ये सब नहीं आता, कितना दुख लगता बेचारा को, मैक्सिमम क्वेश्चन गलत बना दिया। आर्यन बाबू का भी यही हाल है, आरब आर्यन का, है ना बाबू? कोई टेंशन नहीं लेना आरब आर्यन, मेरा बच्चा एक दिन सबसे तेज हो जाएगा, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। स्कूल वाला पढ़ाई नहीं बोला कि टीचर आए पढ़ाए चल गए, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, है ना, इफेक्टिव। जिसको नहीं समझ में आया आर्यन फिर से, जैसे 9 6 9 3, अब बट्टा मान लो बाबू 1 2 3 हो गया, या 1 2 कितना हो गया 9 हो गया, है ना? 7 7 3 10, है ना? मान लो बाबू कितना ले लो, 7 ले लो। अब माइनस बाबू 1 3 7 6 बटा 1 2 7, तो देखो डर जाएगा, कहे ला डरेगा, मेरा बच्चा कैसे करेगा? लिखिए अदिति धीराज तो धुन देंगे भोली, और सुंदर सुंदर लिखना, डिनोम आप कैसे खोलना और देखना डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। हाँ सर, बस हो गया, डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो कुछ नहीं करेगा, ऐसे करेगा, कैसे करेगा, ऐसे करेगा, एक लक्ष्मण रेखा खींचेगा और 1 2 7 लिखेगा, बस सर, एक लाइन खींचना है और उसके नीचे 1 2 7 लिखना है ना? हाँ भोला, अब क्या करोगे, एक ऊपर वाला नंबर को जैसे वैसे लिख देना है। आर्यन भोला आरब 1 9 9 6 9 3 1 3 7 6, अब ये सब्ट्रैक्शन नहीं बचपन में पढ़े हो आप लोग, मम्मी पढ़ाई थी ना जी। हाँ संस्कार भोला निश्चल। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, इधर 9 6 9 3 लिख देंगे और 1 3 7 6 लिख देंगे, घटा देंगे, 3 में 6 जाए गो नहीं जाता, सब ट्रैक्शन आता है ना विवेक बाबू। हाँ सर, यही तो जिंदगी में सीखे थे, 5वां तक आए हैं तो 5 में यही तो सीखे, 3 में 6 जाएगा नहीं ना जाएगा, तो बोरो लगा था 13 में 6 जाएगा कितना 7, 8 में बाबू 1 जाएगा 7 जाएगा कितना बाबू वैष्णव दीप 1, 6 में 3 सर 3, 9 में 1 8, तो 8 3 1 7 डिवाइडेड बाई 1 2 7। आगे इसमें और भी आएगा, प्लस माइनस वाला बताएंगे, है ना? चलिए सरस्वती जी हट जाइए, मेरा बच्चा अब लिखेंगे, आपके ऊपर सरस्वती जी रहते हैं बाबू, पढ़ाने समय सिर्फ समझाने समय समझना, चलो हट गए, लिखो बाबू अब।
है ना, लिखो बोला जस्सी, लिखो आरब आर्यन, एवंकार दर्शन दीजिए बाबू, लवण्य लिखिए। तथागत का नेटवर्क पकड़ा जी। ऐसन भी कहा कहाँ भागी बाबू, इसको अब कुटाए कुटाएगी। ऐसन भी कहा सनविका भागे बाबू, जो क्लास से भागा ले उसको वेटिंग रूम में डाला जाए बाबू। चलो ये वो भागी बोली। स्मृति लिखिए स्मृति। ओमकार बाबू दर्शन तो बोला। मेरा बच्चा है मन का सच्चा, काम का तथागत का नेटवर्क लगता नहीं है पकड़ा। आदित्य स्वरूप सौरिया नहीं आया। आदित्य स्वरूप आया है, सौरिया रह गया। लिखो बच्चा TH तथागत। जिसको नहीं दिखता विवेक नहीं पकड़ा नेटवर्क बाबू। तथागत क्या सो रहा, तथागत तथागत बोला क्या सो रहा बाबू। उसका देखो देखो दीप्तांशु रूहानी, जिसको नहीं समझ में आया फिर से हम लोग समझेंगे। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है विवेक आर्यन आरव कि समझाया बच्चा नहीं समझ में आता, किसी भी क्लास के रहो, है ना, ठीक सर आराम से समझ जाता है। जिसको नहीं समझ में आया फिर से ऐसा ऐसा जानते हम लोग 269 270 क्वेश्चन देखो क्या है। जिस जब भी बाबू ये रहे सबट्रैक्ट करना रहे, है ना, डिनोमिनेटर सेम रहे, जैसे 9697 बटा बाबू 9 6 7 और -9697 बटा 9 6 7। इसके बाद हम लोग टाइप चेंज करेंगे। तो आंख ऐसे खोलना आर्यन विवेक, है ना भोला, देखना डिनोमिनेटर सेम है। हाँ सर सेम है, तब तो बल्ले बल्ले है, कुछ करना ही नहीं रहता है।
डिनोमिनेटर सेम होता है तो लक्ष्मण रेखा खींचना और नीचे 967 लिखना। दो बार है तो एक ही बार लिखना है, नीचे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना नहीं रहता है। हम लोग बहुत सारे बच्चा नीचे भी सब्ट्रैक्ट कर देता, ऊपर भी सब्ट्रैक्ट कर देता, तो गलत हो जाएगा कि नहीं विवेक? नीचे को सब्ट्रैक्ट नहीं करना रहता, नीचे जो नंबर है वही लिखेंगे। ऊपर में कितना है? 9697 है और -96 एक हो गया जी। है नहीं, यहाँ थोड़ा चेंज कर लो, एक हो जाएगा तो फिर जीरो हो कर देंगे हम लोग। 9693 कर देते हैं कि नहीं? लिखना नहीं है, सरस्वती जी आपके ऊपर है, जो जो बच्चा लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, जंतर मंतर बांध दिए। लिखना नहीं है जी, पहले समझिए, लिखने का टाइम आपको मिलेगा। 9693 है बाबू, जंतर मंतर बांध देने से ना आपके ऊपर सरस्वती जी आ जाते हैं, ठीक है ना? फिर लिखिएगा तब ऊपर देख रहे हैं, हमसे बच जाएगा, सरस्वती जी से नहीं ना बचिएगा जी, फिर वो बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, है ना? ठीक ठीक सर, नहीं लिखेंगे सर, हम लोग अच्छे बच्चे हैं, जब समझा रहे हैं तो टाइम समझा समझने में ना लगाएंगे सर, लिखने का टाइम देते ही है तो दिक्कत क्या, उस समय लिख लेंगे, है ना अनुभव? हाँ, अभी सब ट्रैक्शन नहीं आता है, बोलिए 9697 -9693 नहीं आता है? हाँ सर, ये तो मम्मी पढ़ाई भी किए थे। 9697 और 9693, मारिए सब ट्रैक्शन। सेवन में थ्री गया कितना, सेवन में थ्री जाएगा कितना, फोर। नाइन में नाइन जीरो, सिक्स में सिक्स जीरो, नाइन में नाइन जीरो, कितना आ गया? फोर आ गया, बटा 967 आ गया, है ना वैष्णव देव नेक्स्ट। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, जिंदगी वाला बात बाबू। आए सर ऐसा पैसा पढ़ा चुके हैं, जैसे क्या रहेगा, मान लो 10 बटा बाबू 9 है ना, बोला 13/9। अब इसको कहेगा सबट्रैक्ट करने के लिए, तो हमेशा याद रखना, क्या याद रखेंगे सर? देखो भोला, डिनोमिनेटर तो सेम है, तो लक्ष्मण रेखा खींचना, 9 लिखना, लक्ष्मण रेखा खींचेंगे 9 लिखेंगे, है ना? हाँ सर। फिर 10 है, -13 है, तो देखो 10 -13 है ना, आप क्या कर रहे हो, छोटे में बड़ा घटा रहे हो, तो ऐसे इसको करके याद रख सकते हो, किसी नंबर के पहले नहीं कुछ है, मतलब क्या है विवेक, 10 है तो एगो प्लस वाला नंबर एगो माइनस वाला नंबर दिखाई दिया, यहाँ भी बाबू प्लस माइनस ही होता है, किसी नंबर के कुछ नहीं पहले होता, प्लस माइनस होता है, तो यहाँ बाबू 10 है, यहाँ 13 है, तो कैसे करोगे, कैसे करोगे मनीषा? गड़बड़ नहीं करना, बोली 2-3 महीना पढ़ लीजिए, उसके बाद बाबू छुट्टे, ऐसा मारथॉन करो। उधर क्या देख रहा जी, कौन बगला बना ले जी? वैष्णव देव आके बाबू आंख निकाल लेंगे, इधर कानी आंख से इधर देखती है। 10 -13 कैसे करोगे, जब भी जिंदगी में एक प्लस वाला नंबर एक माइनस वाला नंबर दिखाई दे सबट्रैक्ट करना, कैसे करना, बड़ा में छोटा, 13 में 10 सबट्रैक्ट करेंगे, कितना होगा, 3 होगा, 0 होगा, अरे इसमें इसमें सबट्रैक्ट करो तो कितना हो जाएगा, 3/9 हो गया। अब साइन लगाना रहता बाबू, जब भी बाबू छोटे में बाबू बड़ा को घटाते हो तो साइन आपको लगाना पड़ेगा, तो बड़ा नंबर देखो, बड़ा नंबर 13 है, 13 का आगे साइन क्या, माइनस है, तो क्या लगाना, माइनस लगाना। जिसको नहीं समझ में आया फिर से हम लोग समझते हैं, फिर से समझना आर्यन आ रहा बाबू, अभी विवेक भोला एक विवेक का भाई है बाबू कि नहीं, जीतू है कि नहीं भोला? बेचारा का भी स्थिति बहुत खराब है, 8 में आके बाबू बेचारा का बेसिक वगैरह गड़बड़ है, कितना दुख के बात है, बेचारे के दिल पे क्या बीतता होगा, जीतू के दिल पे क्या करोगे? नेक्स्ट भोला, जैसे क्या है बाबू, मान लो अगर ऐसे सब ट्राइट करना कह दे, 10 बटा बाबू 7 बाबू
अब प्लस 8/7 कर दे तो डर जाएगा। कोई नहीं मेरा बच्चा डरता, स्वप्निल श्री भी नहीं डरेगा। एसएमएस वीडियो ऑन करो। कैसे करोगे? एक लक्ष्मण रेखा खींचना है, खींचिए एक लक्ष्मण रेखा खींचिए। डिनोमिनेटर में 7 है ना, तो 7 लिखेंगे। हो गया बाबू प्रिंस? हाँ सर। अब ऊपर जो नंबर है वो लिख दो, -10 + 8। अब ये आपको सबट्रैक्ट करना सिखाए हैं, कुछ कुछ बच्चा को नहीं आता है। जैसे बाबू विवेक हो गया, आर्यन हो गया, निश्चल हो गया, है ना? ठीक, बाकी के तो सिखाइए दिए हम कि नहीं बाबू? एक तथागत का है ना, बाकी आदित्य स्वरूप का भी धीरे धीरे आता है। दीप्तांशु देखो कैसे करोगे, एगो माइनस वाला नंबर है ना, आदिराज, एगो प्लस वाला है, हाँ सर, तो सबट्रैक्ट करना है। कैसे करोगे? जब भी जिंदगी में, याद रखो विवेक, आर्यन बाबू, जब भी जिंदगी में प्लस का नंबर माइनस का नंबर दिखाई दे तो सबट्रैक्ट करना ऋषि नयन। कैसे करोगे भोला? बड़ा में छोटा सबट्रैक्ट करेंगे। बड़ा नंबर कौन है? 10 है, छोटा नंबर 8 है, इसको सबट्रैक्ट करेंगे। 10 में 8 जाएगा कितना? अरे 10 में 8 जाएगा कितना? मम्मी पढ़ाई थी ना, 2 होता है सर, तो 2 लिख लें प्रिंस बटा 7। हो गया ठीक। अब क्या करना है? साइन पुट करना रहता है, प्लस होगा कि माइनस होगा, तो बड़का नंबर देखना आदित्य स्वरूप। बड़का नंबर कौन है? 10 है। 10 के आगे साइन क्या है? माइनस है, तो रिजल्ट में क्या पुट करना? माइनस पुट करना। समझे सनविका? क्या कर रही सनविका जी? इसको फिर बाहर करेंगे, शैतान है। अपना नाम से कहानी आती है सनविका, आपको बाबू भगा देंगे भोले। यही है वो बाबू सबसे कमजोर बच्चे जिसका ग्रोथ नहीं हो रहा, सब बच्चा बाबू तेज हो के दूसरे बैच में चल गया, ये शैतान जहां के तहे। जैसे क्या सर? जैसे 12/ बाबू मान लेते बाबू 15 है, अब प्लस है भोला 17/15 है कि नहीं विवेक? तो कैसे करेगा? डरेगा नहीं डरेगा? डरेगा नहीं डरेगा? पहले आंख खोलेगा, देखेगा डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। हाँ सर, डिनोमिनेटर तो सेम है, तो क्या करना है? एक लक्ष्मण रेखा खींचना देती, और नीचे 15 है तो 15 लिख देना है। ऊपर में क्या है? -12 है, प्लस 17 है। हो गया। अब आपके जिंदगी वाला बात याद करना ऋषि नयन, अब वैष्णवी वैभव स्मृति भोली, कि जब भी प्लस माइनस दिखाई दे, दिखाई दे रहा है सर वैष्णव दी, दे रहा है ना दिखाई? जब भी प्लस माइनस दिखाई दे, हाँ सर दे दिया दिखाई, तो क्या करोगे? क्या पता सर क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे अनुभव, समझा अनुभव बबो? शैतान होमवर्क को टोटल टेस्ट का क्वेश्चन गलत किया, सबट्रैक्ट करेंगे। कैसे करोगे? 12 में 17 के 17 में 12, तो बड़ा नंबर को ऊपर लिखना है 17 और 12 सबट्रैक्ट करना है। 7 में 2 जाएगा कितना? 5110, तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब बट्टा, अरे इसको सबट्रैक्ट किया, 5 हो गया 15। अब क्या करना है? साइन पुट करना। बड़ा नंबर देखो, बड़ा नंबर कौन है 12 15 में? बड़ा वाला नंबर कौन है बाबू? आर्यन जी, तो ये तो मम्मी पढ़ाई थी जी। हाँ जी, बड़ा नंबर 17 है, 17 का आगे साइन क्या है? प्लस। 17 का आगे साइन प्लस है, तो क्या देना? प्लस देना। तो इस तरह से प्लस माइनस वाला हम लोग सोल्व करेंगे। सो सत्य जी हट जाइए, जंतर मंतर हटा रहे हैं। ठीक, अब आप लोग लिखो, लिखो आर्यन अरब, अरे खुश है, खुश है दोनों भोला, अरब भी खुश है, आर्यन भी खुश है। लिखो विवेक, एक गोलू मोलू विवेक लिखे बाबू। क्लास के समय में नहीं कोई लिखेगा भोला, समझाने समय में कोई नहीं लिखेगा, जिसको नहीं दिख रहा अभी आपको ये कर देते, एचडी क्वालिटी कर देते हैं।
चलिए, मेरा बच्चा है शैतानी, करता है कैद दीप्तांशु व रूहानी। बोला दे रूहानी, आपको भी लिखना बाबू रूहानी। छोटे बच्चे के लिए बाबू छठ के बाद से बोला, जिसके पास 2-3 का बच्चा है, भाई बहन है, सबको बुला लीजिएगा, नया बैच ओपन करेंगे 2-3 बच्चे के लिए बाबू। और इसमें बाबू है ना, 4-5 वाले को इसमें रखेंगे, 2-3 वाले को है ना, भोला जो ज्यादा कमजोर है 1.5 घंटा करेगा। 13-14 तारीख से बाबू ओपन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे गार्जियन बोल रहे हैं बाबू मिट्टी हो गया, बहुत सारे गार्जियन बोल रहे हैं, तो आप लोग का बाबू 4 से 5 रख देंगे इसके बाद। और क्या, अनुभवी पढ़े में कमजोर हो गया, उसका 1.5 घंटा का क्लास लगेगा। जो जो पढ़े में कमजोर है 1.5 घंटा, जो पढ़े में पूरे कमजोर है उसका 1 घंटा, और जो पढ़े में तेज है भोला उसका रात वाला क्लास, सबका अलग अलग बांट दिया जाएगा। शिवराज के भाई को बाबू इसी टाइम में बुला लेंगे। लिखो शिवराज, बैठल है, पहले लिख लिया जी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा जी। शिवराज बाबू जो जो पहले लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। देखो वैष्णव दीप लिख रही है, लिखो सन्विका, ईशानी लिखिए। अखेल रहा वैभव, आते हैं भोला, आते हैं फिर आते हैं, खेल लो, आके तीनों को पीटते हैं वैभव बाबू, आते हैं फिर बाबू, तीनों चारों को पीटेंगे। लिखो 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 लिखो, जल्दी से लिखो जल्दी से लिखो, खेल रहा है वैभव कूटेंगे। ऋषि नयन समर्थ लावण्या, तो इसमें से कुछ कुछ बच्चे की क्लास 1.5 घंटे की लगेगी, 3:30 से बाबू 5 बजे तक, कुछ बच्चे की क्लास बाबू आधा घंटा इसमें आधा घंटा रात में है ना, जो पढ़े में जैसा रहेगा उसके अनुसार। भोला जो पढ़े, देखो मेरे यहाँ सब बच्चा पढ़े में तेज है भोला, जो नहीं तेज हो रहा उसके लिए स्पेशल क्लास, नहीं जो तेज है उसको तेज होना ही होना है। कंसेप्ट क्लास के सारे बच्चे बाबू पढ़े में तेज होते हैं, किसी से भी फाइट कर सकते हैं। जल्दी लिखिए, आपको लिखने का प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। लिखो अरब आर्यन, तन्वी का, बाकी बच्चे का कॉपी चेक होगा। लवण्या टेबल बाबू कल आपको बोले थे, कुछ दिन के बाद टेबल का प्रोग्राम चलेगा, क्लास आगे बढ़ेगा तभी जब टेबल 20 तक याद होगा। सारे बच्चे को 20 तक के टेबल लर्न करना है विवेक। मेरा जस्सी है महान, बेचारा कहाँ जा रहा है निश्चल, बोला निश्चल बाबू ट्रेवल कर रहा है। कार्तिक के पावर कहाँ रह गया, चलो उस समय तो इस दीप्तांशु लिख लिया जी। चलिए भोला, सारे बच्चे लिख लिए, अब जल्दी लिखो विवेक बाबू, लिखो अनुभव, अनुभव भी गप्पे कर रहा है, जल्दी लिखे वैष्णवदीप। मेरा बच्चा है शैतान, करता काम बड़े मजेदार। चलिए ठीक है, बोला
अब आपको भोला क्या करना है, देखो ये बेसिक मैथ है विवेक और आर्यन बाबू और निश्चल भोला, है ना। तो आपका बाबू जो जो बच्चा ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, भोला मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, अब शांति से सुनिए, सिस्टम भी समझ में आना चाहिए, खाली पढ़ाने से नहीं होता। तो देखो बोला, जो जो बच्चा बाबू ग्रुप में नहीं ज्वाइन है, बॉयज का अलग और गर्ल्स का अलग, कहाँ गया जी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जी, कॉन्सेप्ट क्लासेस भोला कहाँ भाग गया भोला मेरा, ए जी यहाँ है। देखो बोला, कॉन्सेप्ट क्लासेस फॉर बॉयज, कॉन्सेप्ट क्लासेस फॉर गर्ल्स। तो आपका बेसिक मैथ है बाबू, तो यहाँ पे देखो बाबू रिकॉर्डेड बेसिक मैथ लेक्चर है ना बोला। तो जो आपका बैच है बाबू, ये बेसिक मैथ है, ये ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, 2-3 मंथ चलेंगे ये क्लास बाबू, 2-3 मंथ चलते हैं, ज्यादा नहीं चलते। तो ये बेसिक मैथ है बाबू, तो बेसिक मैथ के नाम से लेक्चर से जाएगा। शाम वाला बैच ई है, देख रहे हो जी बैच ई लेक्चर, तो बैच ई के नाम से जाता है ना। तो ग्रुप में सारा क्लास का डेट के साथ लेक्चर जाता है। बैच बी है, बी का जाएगा, है ना। बैच ए है तो ए का मैथ लेक्चर 2 तारीख वाला है बाबू, है ना। तो ये जाता था, जो जो बच्चे नए ग्रुप ऐसे मैक्सिमम सबको ज्वाइन कर दिए हैं, उसके बाद क्या करना बाबू, अभी जो लिखे हो उसको भेजना। देखो सारे बच्चे मेरे भेजते हैं बोला, इसका चेक ना हुआ जी, जो जो लिखे हो बाबू उसको अभी हमको फोटो खींच के मेरे नंबर पे भेजना है, पर्सनल नंबर पे। नहीं भेजोगे पनिशमेंट दिया जाएगा। इसलिए बोला, होता क्या बाबू कि आप लोग लिखते नहीं हो, है ना, पढ़ा तो देते बोला, लिखते नहीं हो आप लोग। तो जो जो पढ़ाए हैं, जितना भी 273 तक हुआ है ना, तो इसको अभी लिखे उसको फोटो क्लिक करके भेज देना है, सुंदर सुंदर। अब एगो दोगो क्वेश्चन देते, इसको साथ में बना लेना है ना। समझा विवेक और आर्यन निश्चल, ये इंडिया का फर्स्ट क्लास है भोला, ऑनलाइन क्लास है, जहां बाबू आपका प्रॉपर गाइडेंस होता है, जरूरत पड़ने पे बाबू पिटाई भी होता है ना। पूरे इंडिया में कोई कहीं नहीं जाता है भोला, इसीलिए हम लोग कॉन्सेप्ट क्लास के फैमिली हैं भोला, तो फैमिली का नाम रोशन करना है, 274 DIY मतलब बाबू डू इट योर सेल्फ, ना लेना है मम्मी पापा से हेल्प, समझे, इसको खुद से करना है। आता है तो ठीक है, नहीं आता तो गलत भी करो लेकिन करो। -17/13 + 19/13 करना है विवेक सेल्फ, डू आई डी आई बाई डू इट योर सेल्फ, समझा आर्यन, नहीं लेना है मम्मी पापा से हेल्प। चलिए अच्छी बात है, मेरे सारे बच्चे अच्छे हैं, आप लोग का अच्छाई देख के रोना आ जाता है, कहाँ छुपा हुआ था, इतना अच्छा बच्चा कहाँ छुपे हुए थे। 276 है ना, मेरा बच्चा है शैतान, करता है काम बड़ा नादान। 3 क्वेश्चन है, इसको जट सनी अभी कर लीजिए, और मेरा नंबर सबके पास है ही भोला, नहीं तो रात में सोने के पहले 2 बार और उठने के बाद 2 बार पढ़िएगा, 2-3 दिन तक सदा के लिए याद हो जाएगा। 7301-77-3131 730-177-3131। हिंदी में चाहो हिंदी में याद कर सकते हो, इंग्लिश में चाहो इंग्लिश में याद कर सकते हो। हिंदी में याद करोगे 730-177-3131, इंग्लिश में याद करोगे 7301-77-3131। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी बाबू,
जल्दी करो प्रिंस बाबू, जिसको नहीं दिख रहा उसको अब दिख जाएगा। और बाबू 14-15 तारीख से आप लोग के लिए सेकेंड क्लास थर्ड क्लास बच्चे के लिए बाबू नया बैच ओपन करेंगे बोला, जो भी भाई बहन है सबको बुला लीजिएगा, टाइमिंग वगैरह आप लोग से पूछ के बताएंगे। बहुत सारे गार्जियन बोल रहे हैं बाबू कि दूसरा तीसरा को बाबू अलग कीजिए, मेरा बच्चा।